नमस्कार। अमरउजाला.com में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी खास शख्सियत जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। उनको जिन्होंने देखा है वो तो बिरले हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाले उनके ऐसे करोड़ों प्रशंसक हैं जो केवल उनकी आवाज सुनने के लिए ही देश की उस सबसे महत्वपूर्ण विधा से जुड़ते हैं। धर्म के बाद यदि देश में कुछ लोकप्रिय है तो वो है क्रिकेट, और क्रिकेट में किसी की आवाज़ अगर लोकप्रिय है तो वो है सुशील दोषी। सुशील जी, अमर उजाला के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत। मैं बचपन के गलियारों में खो रहा हूँ, मैं इंदौर से आता हूँ, सुशील जी भी इंदौर से आते हैं, और पूरा शहर नाश करता है जब हम सुनते थे कि नमस्कार, मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ। जो भाषावली, जो तहजीब क्रिकेट की कॉमेंट्री को सुशील जी ने दी है, वो निश्चित ही ऐसा योगदान है जिसको सदियों याद किया जाएगा। सुशील जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं आज आपका साक्षात्कार ले रहा हूँ। मैं बड़ा हुआ हूँ आपकी आवाज़ को सुनते हुए। नहीं, मेरी दृष्टि में भी बहुत स्नेह है। देखिए, मैं आपकी यात्रा भी देख रहा हूँ, मेहनती है, और छोटी जगह से उभर कर आना बहुत मुश्किल, प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी रहती है, उसके बावजूद और क्रिकेट कमेंट्री जिसका आपने जिक्र किया। देखिए, ये भी एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का ज़माना था, हिंदी में कोई क्रिकेट कमेंट्री सुनना नहीं चाहता था। लोग कहते थे FPS सिस्टम का खेल है, फुट पाउंड सेकंड FPS सिस्टम, और दूसरी बात 22 यार्ड्स से जो खेल शुरू हो रहा, 22 गज का खेल कहते थे, उस खेल में हिंदी का क्या काम। लोग कहते थे हो ही नहीं सकती कमेंट्री। और मुझे याद है कि जब पहली बार मैं आकाशवाणी गया था, खेल अंग्रेजों का नियम अंग्रेजों के, अंग्रेजी का वर्चस्व, और ऐसे में माँ अहिल्या की धरती से निकले एक ऐसे धुरंधर आवाज़ के धनी सुशील दोषी, जिन्होंने अलग, मैं पहले शुरुआत से शुरू करते हैं सुशील जी, कैसे पहला, कैसे आपको ख्याल आया, क्रिकेट के प्रति लगाव कैसे हुआ, बचपन कैसे बीता, क्रिकेट की तरफ क्यों मुड़े। मैं चाहता हूं कि आज इस साक्षात्कार के बहाने सारी बातें दर्ज हो जाएं। नहीं, बिल्कुल, आपने तो भावुक कर दिया। तो बचपन से मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार, हुकमचंद मार्ग इतवारिया बाजार में 15 रुपए महीने के मकान में किराए से, इंदौर, पुराना इंदौर आप तो जानते हैं जी, तो वहाँ पर किराए से रहते थे और बहुत मुश्किल था। चार हम भाई हैं जी, माता पिता बड़ी मुश्किल से मेहनत मशक्कत करके और चारों को इंजीनियर बनाया। मैं भी इंजीनियर हूँ, शक्ल से लगता नहीं कितना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं भी इंजीनियर हूँ। तो उन्होंने लेकिन हर एक व्यक्ति का शौक पूरा किया। उनको मालूम था कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ अपने भाइयों के मुकाबले, और क्रिकेट में मेरा शौक है, तो क्रिकेट में मुझे आगे बढ़ाया। मैं बचपन में खिलाड़ियों के फ़ोटो काट कर इकट्ठे किया करता था। तो मुझे याद है कि एक बार लाइब्रेरी में से फ़ोटो काटते हुए पकड़े गए, मैं और मेरा दोस्त। अरे और मेरे दोस्त को तो दो चपत लगाई, लेकिन दोस्त खिलाड़ियों के फ़ोटो, खिलाड़ियों फ़ोटो काट के अपने एल्बम में चिपकाते। वाह, फ़ोटो आते नहीं थे तब। हाँ हाँ, बड़ा रेयर था। बड़ी मुश्किल से लाइब्रेरी में जाते थे, ब्लेड छुपा कर ले जाते थे और ब्लेड से काट लेते थे। तो ऐसे शौक दीवानगी तभी से थी। हाँ, तो तब ये मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 13 साल का रहूँगा, 14 साल का रहूँगा। कहाँ पढ़े आप, किस स्कूल में? मैं वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। तो देखिए, खेलकूद के कोई इतने संस्कार तो थे नहीं, लोग समझते थे खेलकूद यानी कि बिगड़ जाएंगे और नवाब बन जाएंगे, तो बनोगे नवाब, कूदोगे तो बनोगे खराब। बिल्कुल, ये कहा वो चलता था तब, मुहावरा, तब ना इतना पैसा था ना इतनी शोहरत। बिल्कुल यही बात थी, और सब कहते थे कि माता पिता को भी कहते थे लड़का बिगड़ जाएगा, इसको कुछ काम नहीं मिलेगा। लेकिन खैर, शौक चढ़ाया तो ये पकड़े गए। तो देखिए, दोस्ती का बात करता हूँ कि आज के ज़माने में से दोस्ती कहाँ थी। वो मेरा जो दोस्त था ना, आज तो दुनिया में रहा नहीं हूँ, लेकिन वो कहते, उसने मुझे कहा कि यार, घर वालों को आप मत कहना कि अपन ये चोरी करके और मुझे चपत लगाई। हाँ। अन्यथा वो मुझे मना कर देंगे तुम्हारे साथ आने का और तुम्हें भी डांटेंगे। हाँ। तो कल से फिर वो हम ये काम नहीं कर पाएंगे जो आप कर रहे हो। तो दोस्ती में देखिए, आज जब पद्मश्री जैसी उपाधि मुझे मिली है, तो मैं समझता हूँ कि माता पिता और क्या इन दोस्तों का हक क्या उस पर नहीं ठहरता जिन्होंने उस समय मेरी मदद की। बहुत सुंदर यादें हैं सुशील जी की बचपन की, कि वो लाइब्रेरी में जाते थे अपने मित्र के साथ और क्रिकेट की दीवानगी 12-13 साल की उम्र से ही तारी थी दिमाग पर, और फोटो जो बहुत बड़े दुर्लभ होते थे उस वक्त, जिन भी पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में उन्हें क्रिकेट के खिलाड़ियों के फोटो मिलते थे वो काट के ले आते थे। इस वजह से थोड़ा उलाना, थोड़ी डांट भी पड़ गई इनके मित्र के साथ, उनको बड़े अच्छे से याद कर रहे थे, और मुझे लग भी रहा कि उन यादों के साथ भावुक हुए हैं, पुरानी गलियों में खो गए हैं। यही होता भी है जब आप अपनी निजी ज़िंदगी की उन यादों को पीछे से खींच कर यहाँ लाते हैं इतने लंबे समय बाद, तो निश्चित है। तो फिर ये कमेंट्री वाला सिलसिला कैसे? नहीं, ये ऐसा हुआ कि
तब मैं कमेंट्री में बचपन से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो कमेंटेटर्स होते थे उनकी कमेंट्री सुनता था और उनकी नकल करता था अंग्रेजी में उन्हीं की शैली में जी। ब्रायन जॉनस्टन, जॉन ऑर्लॉट, इनकी कमेंट्री की उन्हीं की शैली घर में प्रैक्टिस करते घर में ऐसे मजा आता था मुझे। हाँ। जैसे लोग गाने गाते हैं ना, मैं क्रिकेट कमेंट्री करके मजे लेता था और सब भाई लोग कहते थे बड़बड़ मत किया कर यार ये क्या है और इस तरह चलता। लेकिन मुझे याद है कि रिची बेनो की टीम 1959-60 में भारत आई थी, रिची बेनो के नेतृत्व में, जिसमें बड़े बड़े नील हार्वे, नॉर्मन ओनील, रे लिंडवाल जैसे खिलाड़ी बड़े धुरंधर जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, वो लोग आए थे। तो मैंने जिद पकड़ी कि मुझे मुंबई टेस्ट मैच देखना। अच्छा, अब देखिए मुझे पता नहीं था कि मुंबई टेस्ट मैच देखना कोई आसान था क्या, टिकट तो मिलते नहीं थे, पिताजी को भी मालूम नहीं था, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, क्रिकेट सिर्फ आपकी थी घर में किसी, लेकिन बेटे में दिलचस्पी था। हाँ, तो वो क्या, उन्होंने कहा चलो बेटा ले चलते हैं। खूबसूरत बात सुशील जी ने कही, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी पिताजी की लेकिन बेटे में बहुत दिलचस्पी, क्या बात, बहुत खूबसूरत बात। तो वो मुझे उन्होंने कहा ले चलूंगा, माँ ने डांटा भी कि अरे इसकी हर जिद पूरी करते हो, ये क्या तरीका, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्यों, मैं अगर होता उनकी जगह तो कभी भी अपने बेटे को नहीं ले जाता, लेकिन वो मुझे बंबई ले गए। क्या बात। और आप समझिए 5-4 दिन तक हम पिता पुत्र ब्रेबोन स्टेडियम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे कि टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए कहीं से, तो टिकट का इंतजाम ही नहीं हो सका। चौथे दिन एक पुलिस वाले ने हमें देख लिया, उसको दया आ गई कि उन्होंने पिताजी से पूछा कि भाई साहब क्या कुछ जुगाड़ नहीं हुआ क्या, आप भटक रहे हो 4 दिन से, मैं पहचान गया हूँ आपको। तो उन्होंने पिताजी ने कहा देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बेटे का दिल टूट जाएगा। आपकी उम्र क्या थी तब? मैं 13 साल का था। तो ये बेटे का दिल टूट जाएगा और ये अगर वापस चला गया ऐसा तो मुझसे देखा नहीं जाएगा इसका दर्द, तो इसको देखना है, मुझे तो नहीं देखना। तो उसने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के बाद जो रेला बाहर आता है ना वो फिर जब अंदर जाता है वापस आपको घुसा दूँ तो मैं उसमें आपको ठेल दूंगा इस बेटे को। क्या बात। लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा पिताजी को। हाँ। पिताजी खुश हो गए, शायद पिता होते ही ऐसे हैं। हाँ। उन्होंने कहा बेटे की खुशी में हमारी खुशी, बिल्कुल। वो उन्होंने कहा कि मैं बाहर खड़ा रहने को तैयार हूँ, और मैं तो अंदर खुशी में इतनी संवेदना भी नहीं थी कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहेंगे, मैं तो खुशी से अंदर बिल्कुल चला गया फुदकता हुआ और मैच देखा। देखा नॉर्मन ओनील को, नील हार्वे पार्टनरशिप चल रही थी, बापू नाडकर्णी को बॉलिंग करते हुए देखा, रिची बेनो को देखा, रे लिंडवाल को देखा, तबीयत खुश हो गई। तभी मेरी दृष्टि, मैंने देखा क्या वातावरण है कि सारा स्टेडियम खचाखच भरा है, लोग नारे लगा रहे हैं, कोई झंडा लहरा रहा है, तो देख के लगा कि क्या अद्भुत नज़ारा है, पहली बार देखा था ऐसा। फिर देखा कमेंट्री बॉक्स की तरफ मेरी दृष्टि पड़ी और मैंने देखा कि क्या जगह है, ये तो बिल्कुल पिच की सीध में सामने से दिखते बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू, इसमें कितना अच्छा गेंद का स्विंग और सीम और सब दिखाई दे रहा होगा इनको। तो मैंने कहा कि कौन कमेंट्री कर रहा है, किसी ने बताया भाई बॉबी तलियारखा और विजय मर्चेंट कमेंट्री कर रहे हैं। तो मेरे मन में हूक उठी कि क्या कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। ओहो, देखिए जंगली सपने कई बार कैसे सच होते हैं। क्या बात। 1972-73 में जब टॉनी लुइस की इंग्लैंड की टीम आई ना, अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच मैंने उसी ब्रेबोन स्टेडियम से और उसी कमेंट्री बॉक्स से किया। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। मुझे भी ये नहीं पता था, मुझे तो बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है सुशील जी की सफलता पे कि जब से चला हूँ मंजिल पे नजर है मेरी, जब से चला हूँ मंजिल पे नजर है मेरी, आंखों ने अभी तक मील का पत्थर नहीं देखा। हाँ। ब्रेबोन से ब्रेबोन तक की आपकी यात्रा बहुत दिलचस्प लगी, अद्भुत। मतलब मैं सोचता हूँ कि कई बार कोई हुआ कैसे, आप कैसे पहुंच गए, कथा भी कोई लिख दे तो शायद नहीं, नहीं, मेरे को तो अभी रस आ रहा है। आप ये बताइए कि फिर वो 13 साल का बच्चा वापस वहाँ जो अपना लक्ष्य सामने रखा था, देखिए ये बड़ा मोटिवेशनल भी है। हाँ। कि जो लक्ष्य अपनी आंखों में समा गया उस लक्ष्य का फिर आपने दिन रात पीछा किया और अपने जुनून को पा लिया। हाँ, कैसे कैसे पा लिया वो, उसमें ऐसा हुआ कि 1968 के वक्त एक भारत सरकार से नोटिस आया कि सभी जगह हिंदी कमेंट्री होनी चाहिए, जरूरी है कि सब आकाशवाणी के केंद्रों में अब रणजी ट्रॉफी कमेंट्री होनी चाहिए। सरकारी तो आदेश बड़े फायदे के हो जाते हैं, बिल्कुल वो सभी को उसका पालन करना ही पड़ता। तो उन्होंने ढूंढ मचाई इंदौर में भी कि भाई रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था मध्य प्रदेश और राजस्थान का, उन्होंने ढूंढ मचाई कि कोई कर सकता है क्या कमेंट्री। सभी क्रिकेटर्स को भी पूछा, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, तो उन्होंने कहा पागलपन है, हिंदी भाषा में कोई कमेंट्री हो सकती है, हो ही नहीं सकता, किसी ने कभी सुने ही नहीं, ये तो अजीब बात है, हो ही नहीं सकता ये। तब मैं पहुंच गया, मैं कुछ अखबार नई दुनिया में कुछ लेख लिखा करता था जी क्रिकेट के बारे में जी। तो मैंने सोचा कि चलो जाकर देखता हूँ, तो मैं चला गया और मैंने कहा आई कैन डू कमेंट्री। मुझे याद है कि मैं
हाफ पैंट पहनकर चला गया था और टी शर्ट पहन के, गरीबी के दिन थे। देखिए 59 से 68 के बीच में क्रिकेट का जुनून जारी रहा, लिखते रहे क्रिकेट पे, लेकिन जब मौका आया तो तुरंत चला गया, झपट भी लिया। तो पहले जो स्टेशन डायरेक्टर, मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने पहले तो मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, कौन आ गया हाफ पैंट में। फिर उन्होंने कहा कि यार सिंपली गेट आउट, ओके, पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स, थोड़े सब तजुर्बे के थोड़े सफेद बाल लाओ। तब देखिए तुम्हें क्या, बच्चे से क्या कमेंट, बॉबी तलियार खान, विजय मर्चेंट, ये सब 60 साल ऐसे उम्र के होते थे, क्रिकेट खूब सीखे होते थे, तब वो कमेंट्री करते थे। तो उनका सबके मन में ही ख्याल था कि बहुत अनुभव चाहिए, उन्होंने मुझे भगा दिया। और मैंने भी कोई इज्जत की बात समझी नहीं, लड़का ही था, वापस आ गए, कोई बात नहीं, मन में ठेस भी नहीं लगी, वापस आ गए। फिर शायद कोई मिला नहीं उनको कमेंटेटर, और दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री करनी थी। तब उनको याद आया कि एक पागल सा लड़का आया था, देखते हैं उसको, कोशिश करते हैं कि वो कभी कर ले, बताइए। तो मैं गया वहाँ पर, मुझे बुलाया उन्होंने, मैं गया, उन्होंने कहा भाई कमेंट्री करके आप इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए। और आप तो बचपन से प्रैक्टिस कर ही रहे थे। बचपन से प्रैक्टिस थी, तो मैंने अंग्रेजी में कमेंट्री करके बताई। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी कर रहे हो आप, तो बिल्कुल इतनी शानदार कमेंट्री कर रहे हो, लेकिन हमें तो हिंदी में करना है कमेंट्री। तो मैंने कहा सर कोशिश करता हूँ, हिंदी में तो मैंने भी कभी की नहीं है। तब मैंने कमेंट्री की हिंदी में, मेरी हिंदी बचपन से अच्छी थी जी, मतलब इंदौर की तहजीब भी वैसे भी हिंदी के मामले में, मालवा की मिट्टी हिंदी अच्छी कर, साधारणतया हिंदी लोगों की अच्छी होती है। तो मेरी हिंदी अच्छी थी, स्कूल में भी अच्छे नंबर आते थे और हिंदी पर बड़ा जोर था जी। तो मैंने हिंदी में करके बताई, तो अच्छी तो नहीं की होगी, पर उन्होंने कहा कि ये लड़का काम चला लेगा, हाँ, बाकी सबके मुकाबले आवाज, सरकारी आदेश पूरा हो जाएगा, सरकारी आदेश पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे मौका दे दिया, बहुत बढ़िया। वहाँ से पहली कमेंट्री की, और सच मानिए इतनी आलोचना हुई कि इतनी खराब कमेंट्री कभी जिंदगी में नहीं हुई। किसी ने लिखा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते, बताइए। अब देखिए 19 साल का लड़का, 18-19 साल का था, मासूम दिल, और इतना दिल टूटा, और पिताजी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा यार भैया या तो मेहनत करो या छोड़ दो। पिताजी ने कहा ये बहुत बढ़िया बात, ये नाम बदनाम हो रहा है, या तो कोशिश करो। और उन्होंने पहली बार एक बात की जो आज बड़े बड़े लोग नहीं कह सकते, पिताजी ने कहा कि दिल से महसूस करो जो कुछ हो रहा है, दिल से महसूस करो, तो एक और तरह फिर से मूल मंत्र, और मंत्र मिल गया। फिर लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करो, अगर दिल से महसूस नहीं करोगे खेल को, तो फिर लोगों के दिल को महसूस नहीं करा सकोगे। ये बात ये मैंने मूल मंत्र की तरह अपने जीवन में मान ली, और मैं हर कमेंट्री जो करता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे बल्लेबाज खेल रहा है ना, मुझे लगता है कि मैं ही खेल रहा हूँ। और जब बॉलर बॉलिंग करने जाता है तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बॉलर हो गया हूँ, और जब फील्डर दौड़ता है ना, तो मुझे लगता है मैं फील्डर होकर बॉल की तरफ दौड़ रहा हूँ। ये जब तक ये भावना आती है ना, तो ऐसा लगता है कि इसी कारण जो आप कहते हैं कई दफ़े कि ऐसा लगता है खेल जीवंत हो गया, तभी होता है। नाम भी आंखों देखा हाल है, हमें आंखों देखा हाल आपके माध्यम से मिलता रहा लगातार। और आपने एक बात बहुत अच्छी की कि ये बिल्कुल आध्यात्मिक विषय है कि देखिए आप मोमेंट्स को, क्षणों को एक जगह से दूसरे जगह आवाज़ के जरिए फैला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे याद है कि उस समय जब बात हो रही थी, तब संजय की बात करें हम, महाभारत में उन्होंने, मुझे भी संजय ही याद आया, आप संजय, वो आपकी पुस्तक भी इस बीच हमारे साथ तो देखा। संजय सबसे बड़े कमेंटेटर मैं तो समझता हूँ कि अंधे आदमी को अगर आप युद्ध का दृश्य दिखा पाते हो तो इससे बढ़िया क्या, इससे बड़ा कमेंटेटर हमारे यहाँ सब तरह के उदाहरण मौजूद है। आपने संजय को भी आदर्श माना, बहुत बढ़िया बात। लोग कहते हैं उन्होंने पूरा महाभारत खींच दिया आंखों में। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कोई जॉन अर्नल्ट पहले कमेंटेटर थे, कोई कहता है कि एलन मिगिलवरी पहले कमेंटेटर थे बड़े स्केल पर जी, और कोई कहते हैं कि कोई ब्रायन जॉनस्टन पहले थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि सदियों पहले संजय जो है महाभारत का आंखों देखा असली कमेंटेटर तो वही थे। क्या बात है, क्या बहुत खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये भी कहता हूँ कि कमेंट्री की कला सत्य बोलने की कला है। देखिए आप जो कुछ आप जब सच बोलते हो ना, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता कि पहले आपने क्या कहा। झूठ बोलने वाले को हमेशा याद रखना पड़ता है कि पहले क्या कहा था। तो सत्य बोलने की आदत जिसमें है वो अच्छा कमेंटेटर हो सकता है। और दूसरी बात जो मैं कहता हूँ कि आवाज मधुर आवाज में बात कीजिए, कुछ इस तरह से बात कीजिए, आपकी आवाज में इतनी मिठास घोली है जैसे आप अपनी होने वाली पत्नी से सगाई और शादी के बीच में जिस तरह से बात करते हैं ना, क्या बात, वैसी मधुरता से बात करिए। ऐसे मत बात करिए जो 25 साल शादी होने के बाद सीख है। ये वो लोग जो इस विधा में आना चाहते हैं, जो आवाज की दुनिया में
दखल देना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया टिप है सुशील जी की। नहीं, और ये इस तरह से तो ये रणजी ट्रॉफी वाला मामला फिर अंतरराष्ट्रीय कमेंट्री तक, हाँ, फिर ब्रेबोन तक की यात्रा वापस, ब्रेबोन से ब्रेबोन, वहाँ से फिर जब चला तो फिर अब देश में भी हिंदी कमेंट्री की शुरुआत हो गई 1972-73 के आसपास। तो उनको भी आप और जसवंत सिंह, मुझे याद है, जसदेव सिंह और आप दोनों वो हमारे सेलेक्टर भी थे जी। तो उनको राज सिंह डुगरपुर जी ने कहा कि यार, इस दौर में एक लड़का, आपको कमेंटेटर मिल नहीं रहे हिंदी में, एक लड़का है जो क्रिकेट भी थोड़ा बहुत जानता है और उसकी भाषा बड़ी अच्छी है और आवाज मीठी है, तो उसको तुम ट्राई करो। राजसिंह डुगर, देखे पहले लोग मदद करते, हाँ, रेफरेंस से ही काम चलता था, मदद बहुत करते थे कि आज दिल बड़ा होता था। मैं आज भी मानता हूँ कि किसी का भला करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बड़ा, और भला करके ना पछताना और भी ज्यादा मुश्किल। क्या बात है, बहुत फलसफा, देखिए जीवन का निचोड़ है सुशील जी का। मैं खुद इस तरह के आध्यात्मिक विषयों में मैं मानता हूं कि कई बार हम भलाई करते हैं और फिर हम ये पछताते भी कि यार मैंने इसका भला किया, इसने एहसान फरामोश निकला, लेकिन अगर भलाई करके आपको भुला देने का हुनर है तो फिर आप एक अलग अलग स्तर पे पहुंच चुके हैं अध्यात्म के। तो ये बात रही, और फिर मुझे याद है कि पहले तो आकाशवाणी ने पे काफ़ी दबाव पड़ा, तो उन्होंने पहले एक बार सोचा भी कि इन्हें बाहर कर दें, लेकिन वो जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो आवाज़ की दुनिया के बहुत धनी थे, उनको मालूम था कि आवाज़ में क्या बात है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यार कुछ भी हो, इस लड़के की आवाज़ ईमानदार आवाज़ है। अब मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा कमेंट नहीं सुना, ईमानदार आवाज़ मुझे लगता है वाकई बहुत बहुत ज़बरदस्त। आप देखिए कि आप कह सकते हैं कि बच्चन बारीटोन, मीठी आवाज़, कर्कश आवाज़, यू नो, सुरीली आवाज़, लेकिन ईमानदार आवाज़, आज भी जब सोचता हूँ तो रोंगटे, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता किसी, बहुत बड़ा कमेंट। और उन्होंने जब ये कहा तो मेरा दिल बड़ा हो गया। फिर मैंने क्या किया कि सोचना शुरू किया, जैसा पिताजी मुझे, मैं कहते थे ना महसूस करो, तो जैसे कोई स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है, मैंने देखा कि बल्लेबाज, जैसे शॉर्ट पिच गेंद आई, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बना लेता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है चार रन के लिए। तो ये जो है ना, ये पूरा इसमें आवाज़ भी बन गई, शैली भी बन गई और भाषा भी बन गई। और एक शैली जो बन गई ना अपने आप, ये छोटे छोटे वाक्य बोलना, कि गेंद को अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाए और स्क्वायर कट कर दिया चार रन के लिए। तो ये जो चीज है ना, इसमें छोटे छोटे वाक्य भी बोले, रियाज है, ये मेहनत है, आपने अपनी शैली विकसित की। जो मुझे खुशी है कि आज भी वो शैली यूनिक है। सभी लोग आज, जो अधिकांश कमेंटेटर्स, तो वही वाक्यों की नकल कर रहे हैं। तो पहला मैच ब्रेक आपको मिला, राज सिंह डूंगरपुर जी ने कहा कि अच्छा लड़का है बुला लो, फिर जसदेव सिंह जी ने बुलाया, और फिर हाँ 1972-73 में पहले टेस्ट मैच किया, और अब उसके बाद फिर लगातार कमेंट्री करता रहा और प्रतिस्पर्धा भी होने लगी, लोग बाग भी आने लगे। अब तो नया सिलसिला हो गया सुशील जी, अब तो क्रिकेटर खुद ही कमेंटेटर बन जाते हैं, और अपना क्रिकेट का करियर जब खत्म होता तो उन्हें एक नया करियर मिल गया है। ऐसे में तो बाढ़ सी आ गई है, सारे क्रिकेटर भी आ गए, और दूसरा क्या हो गया है कि, और ये लगता है कि चूंकि ये मैदान में खेले तो शायद ये ज्यादा जानेंगे खेल के बारे में, नहीं, लेकिन पर आपने तो एक ऑब्जर्वर के तौर में भी इतना जान लिया खेल को। नहीं, मैं सब सच बताता हूँ कि ये जो इनका नोशन है, दरअसल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो समझता है कि खिलाड़ियों को पैसा देना और उनकी देखरेख करने के लिए ही वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाया, और वो क्रिकेटर्स जिनको अभी काम नहीं है, जो रिटायर हो गए, उनको काम देना उनका ही काम है, उनकी जो पैसा इतना आ रहा है रिटायरमेंट के बाद भी वो उन्हीं को, इस कारण अधिकांश क्रिकेटर्स उनको, लेकिन मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, वो करें। देखिए, उनको कई चीज़ों का बेहतर ध्यान रहता है, जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण हुआ होगा, इस समय ये परिवर्तन किया तो क्यों किया होगा, नए बॉलर क्यों लगा, कप्तान किस तरह से सोच रहा होगा, ये उनको गुजर चुके हैं उस सब, ये उस तरह से सोचते बेहतर है हम लोगों से जी। लेकिन दूसरी तरफ ये ईमानदार आवाज़ के साथ ईमानदार स्वीकारोक्ति भी है, इसके लिए बहुत बड़प्पन चाहिए। मैं खुद इस तरह के पेशे में हूँ जो पब्लिक स्पीकिंग का काम है, इतनी ईमानदार स्वीकारोक्ति करने वाले लोग कम ही मिलते हैं। लेकिन दूसरा, इसका दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि मैं इनसे यही कहता हूँ कि आप करें, आपका स्वागत है जी, लेकिन उस भाषा का सम्मान करें जिस भाषा में आप बात करें। आप उस देश की भाषा खराब, केवल खेल का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं। BCCI ने आपको खेलों के राइट्स दिए हैं, देश की भाषा खराब करने के राइट्स तो नहीं बेचे हैं जी। तो और देखिए, देश की, किसी भी देश की भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, जैसे सुकरात ने कहा किसी भी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा खराब, भाषा पे हम कब्जा करें। देखिए, बड़े क्रिकेटर कोई बात कहते हैं ना, और सुशील दोषी एक बात कहता है, तो बच्चे, आज के बच्चे क्या सोचेंगे कि यार इतना बड़ा क्रिकेटर है, इतना बड़ा नाम है,
ये ठीक ही कह रहा होगा। हाँ। यही भाषा ठीक है, आप प्रेरणा स्रोत हैं नई पीढ़ी तो के पूरे देश की भाषा आप खराब कर रहे हैं। देश की भाषा खराब करेंगे तो संस्कार खराब होंगे। जी जी, संस्कार खराब होंगे तो एक दूसरे के परस्पर अविश्वास पैदा होगा। जी जी, और परस्पर अविश्वास पैदा होगा तो फिर तो आप देखें देश टूटता है ना। तो ये भाषा का बड़ा महत्व है, इस बात को जितना जल्दी समझ लिया। मैं यही कहता हूँ क्रिकेटर से भाई, जो चैनल्स को भी ये कहता हूँ कि आप क्रिकेटर्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाइए। हाँ, वो भाषा इनको भाषा, और आप जैसे लोग हैं जो सिखा महसूस भी सकते हैं। महसूस कराइए, जैसे आप बॉलिंग की कोचिंग कराते हो, फील्डिंग की कोचिंग कराते हो, बैटिंग की कोचिंग कराते हो, वैसे कमेंट्री की कोचिंग भी करवाइए। बिल्कुल करना। और आप जैसे लोग जो नहीं, मुझे याद है मेरे पास वीवीएस लक्ष्मण खुद पर्सनली आए। अच्छा, इंदौर में आकर उन्होंने कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। क्या बात। तो देखिए विनम्रता तो है ना। आज देखिए वो साउथ इंडियन है पर लेकिन विनम्रता है। तो वो खुद आकर मुझे कहे, कितना बड़ा नाम है वीवीएस, बड़ा नाम, बहुत वीवीएस लक्ष्मण, लेकिन खुद आए। और तो मुझे अच्छा लगा कि देखिए, और हिंदी वाले जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं, कोई ना तो सीखना चाहते हैं बल्कि उल्टा कहते हैं कि हिंदी भी कोई भाषा है। हिंदी भी कोई भाषा, मुझे कितने ही क्रिकेटर्स कहते हैं यार तो कोई हिंदी भी कोई भाषा है, उत्तर प्रदेश में अलग तरह से बोली जाती है, राजस्थान में अलग तरह से बोली जाती है। मतलब वो तासीर को नहीं समझते, भाषा का महत्व नहीं समझते, हमारी संस्कृति से जुड़ाव में भाषा का जो अहमियत है उसको नहीं समझते हैं। और मुझे याद है एक हम रेडियो कॉमेंट्री करते थे और सुनील गावस्कर एक बार 85-86 पर खेल रहे थे, शाम का वक्त था और मैं कॉमेंट्री कर रहा था। मैंने कहा कि शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाइयां मैदान पर लंबी हो रही हैं, लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ अभी भी विद्यमान है। ये भाषा का लालित्य है, ये भाषा का लालित्य। और देखिए जो फील्डर था, अंग्रेज फील्डर था, उसने अचानक देखा कि बाउंड्री लाइन के बाहर से कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैदान पर तो कुछ हो नहीं रहा। तो ही आस्क्ड वन ऑफ द पीपल हु न्यू इंग्लिश, उससे पूछा कि व्हाई आर यू क्लैपिंग, नथिंग इज हैपनिंग। तो उसने कहा कि हिंदी कमेंटेटर हु वाज डूइंग कमेंट्री, ही सेड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेटाफर क्रिएट, ही देन उन्होंने फिर आके लोगों को कहा कि देखिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए हिंदी वहाँ पहुँच रही है। नहीं, और हिंदी जानने वाले, हम amarujala.com पर लगातार हिंदी में खबरें लिखते हैं, हिंदी में खबरें प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, हमारा अखबार हिंदी में, हमारी वेबसाइट हिंदी में, हमारे सारे वीडियो हिंदी में बनते हैं और करोड़ों की तादाद में लोग इसको देखते हैं। इसी से पता लगता है कि जो लोग हिंदी को पीछे धकेलना चाहते हैं, शायद उनका मानस सही नहीं है, वो हिंदी के महत्व को और उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। अब तो दुनिया पहचान रही है और सभी जगह पर हिंदी का डंका बज रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और हिंदी के इस परचम को ऊंचा लहराने में सुशील दोषी जी जैसे लोगों ने बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुशील जी, जब कोई स्टूडियो में गायक आता है तो हम कहते हैं थोड़ा गा के बता दीजिए, कोई संगीतज्ञ आता है संगीत तो हम सोचते हैं कुछ बजा के बता दें, आपके जैसा कमेंटेटर आता है हमको लगता है कि आपकी वो पंक्तियाँ जो बरसों से जहन में गूंज रही है और उसमें कई बार आपने एक दो इंदौरी शब्दों का भी बड़े अच्छे से मिश्रण किया है, एक आप सुनाइए ऐसा जो मज़ा आ जाए। मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम से मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच शुरू हो रहा है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, इमरान खान के हाथ में गेंद है और बॉलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से सुनील गावस्कर बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं, उनके सामने हैं चेतन चौहान। 50,000 दर्शकों की उपस्थिति, पूरे स्टेडियम में खचाखच भरे लोग, दिलचस्पी का वातावरण, रोमांच हर पल। भारत और पाकिस्तान के मैच में यही होता है कि दिलचस्पी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का ये बाप कहा जाता है और काफ़ी हलचल है। और इसी बीच इमरान लंबा रन अप लेते हैं, शुरू में ही विकेट लेने के आदि हैं, लेकिन गावस्कर विकेट देने के आदि नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला। तो इमरान बॉलिंग करने के लिए तैयार, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर और गावस्कर आगे आए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चार रन के लिए। क्या बात क्या बात है। और हम इसी तरह तालियां बजाते थे घर में कमेंट्री सुनकर, इसी तरह के चौके पे। देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हिंदी और क्रिकेट ने एक दूसरे की बड़ी मदद की है। जी जी बिल्कुल, हिंदी ने क्रिकेट को वहां पहुंचाया जहां कभी चौके चूल्हे तक पहुंचाया, किसानों तक पहुंचाया, मजदूरों खलिहानों में रखा हुआ, लोग कमेंट्री कहां-कहां नहीं सुनते, कहां-कहां नहीं सुनते, जो मीडिया डार्क एरिया हमें कहते हैं, मीडिया डार्क एरिया मतलब इंटरनेट वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर टेलीविजन चैनल नहीं है, कई बार तो अखबार डिलीवर नहीं हो पा रहे, लेकिन रेडियो है, एक ट्रांजिस्टर है और उसके सहारे वो क्रिकेट सुन। और शुरू के दिनों में तो वही एक वही था, और आज वाले की दुकान पे 500 लोग खड़े रहते हैं। आज भी सर ऐसे हिस्से हैं हिंदुस्तान के जहां पर क्रिकेट पर कमेंट्री सुनी जाती है और वो साथ ही रहा, क्रिकेट की लोकप्रियता से हिंदी को भी फायदा, क्योंकि देखिए साउथ में कई लोग मुझे
मुझे लिखते थे कि हम हिंदी क्रिकेट के कारण सीख रहे हैं, आपकी कमेंट्री से सीख रहे हैं। तो दोनों ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन देखिए हिंदी ने तो मदद की, आज भी मदद कर रहा है, लेकिन क्या क्रिकेट हिंदी की, आज देखिए आकाशवाणी तरस रहा है, अपने उनको राइट्स नहीं मिल रहे जी। तो देखिए आज श्रोताओं को हिंदी सुनने को नहीं मिल पाती। कुछ चैनलों ने ज़रूर ये कोशिश की है कि हिंदी का अलग कमेंट्री का चैनल करके कमेंटेटर वहाँ बिठा देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस लेवल पर हिंदी को लेकर आए, जिस तरीके से हिंदी को बढ़ावा दिया, जो स्तर हिंदी का कायम किया सुशील जी जैसे लोगों ने, उसको यहाँ से और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे कमेंटेटर हिंदी के लिए। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी जैसे अकादमी होती है वैसी कमेंट्री की भी अकादमी आप बनाएं, नए कमेंटेटर तैयार करें? हाँ, ये हो सकता है, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अब क्या है कि मेरी व्यावसायिक व्यस्तताएं भी हैं। नहीं, मुझे मैं चाहूंगा अच्छे कमेंटेटर भी आपके सानिध्य में तैयार हो जाए, तो चाहता हूँ तो आने वाली पीढ़ी का भला हो। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे कमेंटेटर्स निकले, इसमें काफ़ी स्कोप है, अच्छा पैसा भी मिलता है, लोकप्रियता भी प्राप्त होती है। तो अगर आपके प्रशिक्षण में निकलेंगे तो अच्छा होगा। वक्त के लिहाज को देखते हुए एक दो जरूरी, क्रिकेट से आप जुड़े हैं, क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है। अभी अमर उजाला का चंडीगढ़ में संवाद था और मैं वेंकटेश प्रसाद से बात कर रहा था, जबरदस्त पेस बैटरी के हिस्से जवगल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद की जोड़ी बहुत मशहूर रही भारत की क्रिकेट में, वो भी आजकल कमेंट्री करते हैं, और उनसे मंच पर बात हुई मेरी काफ़ी सारी क्रिकेट को लेकर। उनका एक दर्द ये था कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इस वजह से वो भारतीय टीम जो जीत के आती थी, अभी आप वेस्ट इंडीज़ के मैच के लिए भी कमेंट्री करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं और वेस्ट इंडीज़ से हम दो मैच तो ऑलरेडी हार चुके हैं, पिछला मैच भी हम हारे, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय टीम विश्व कप के लिए उतनी तैयार नहीं है जितनी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, जब T20 क्रिकेट हुआ था ना, तब भी आखिरी वक्त तक एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग अंदर बाहर, नए नए वेंकटेश प्रसाद का कहना था कि खिलाड़ी को लगता है कि मैं एक बॉल भी गलत खेल गया तो अगले मैच में बाहर कर देंगे, इस तरह का दबाव है। और अगर चार खिलाड़ी सफल हो गए तो फिर आप किसको चुनोगे? देखिए जहां दुनिया ने अपनी टीमें तैयार कर ली, वहां प्रयोग कर रहे हैं, आखिरी समय तक हमारी टीम का पता नहीं। बीसीसीआई के शेड्यूल को लेकर भी बड़ी आलोचना हुई, एंड टाइम पे आपने नवरात्रि पे घट स्थापना के दिन भारत पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद जैसी जगह पे जहां नवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व है हमारा लिया, तो मुझे लगता है कहीं गड़बड़ी हो गई है, ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा शोहरत आ गई, लेकिन शायद प्रशासनिक कमजोरी है। नहीं, प्रशासनिक कमजोरी तो क्या कहें इसको, अब देखिए उनके पास भी इतना व्यस्त कार्यक्रम, और दूसरा क्या है कि ये समझ लिया गया है कि जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा धनोपार्जन होगा, उतनी ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त होगी। देखिए क्रिकेट से लोकप्रियता भी बहुत प्राप्त होती है और खिलाड़ियों को पैसा भी खूब मिलता है, तो वो थकेंगे। देखिए IPL खेलने के लिए तैयार है, देश के लिए खेलने पैसा मिल रहा है, और दो काम हो रहे हैं इससे कि अब देखिए कई खिलाड़ी रिटायर। वेंकटेश प्रसाद ने बहुत अच्छी बात की, दुनिया पैसा मिलना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए क्रिकेट खेलना गलत बात। देखिए आदमी जब तक पैसे को चलाए तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पैसा आदमी को चलाने लगेगा तो बात बदल जाएगी, इंसान इंसानी तौर पर गिरेगा। क्या बात, एक और फलसफा सुशील जी की बातचीत में बहुत सारे फलसफे हमको मिले। एक तो अपना लक्ष्य अगर आपकी आंखों में आ गया है तो उसको फिर जुनून की हद तक प्यार करो, और इस तरह से प्यार करो कि आप उस लक्ष्य को किसी भी कीमत पर हासिल करके रखो। एक 13 साल का बच्चा मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में धक्कों के बीच में अंदर प्रवेश पाता है, मैच देखता है और सोचता है कि सामने जो कांच वाला कमेंट्री बॉक्स बना है मुझे तो एक दिन यहीं आकर बैठना है, और फिर वो उस कमेंट्री बॉक्स में बैठ भी जाता है। बहुत शानदार यात्रा सुशील जी, अभी भी आप इतने सक्रिय रहते हैं, इस ऊर्जा का राज क्या है? नहीं, सबसे ये आपने प्रश्न जो पूछा मेरे बहुत दिल के करीब है। मुझे याद है कि एक दिन मैं अपने बेटे से बात कर रहा था कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो उसने कहा बाय नॉट कमिंग हियर टू द वर्क। तो मैं उस बात को समझ गया, उसमें भी एक सोच है कि जो अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे जी तो वक्त आपको ठुकरा देगा। क्या बात, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त के साथ चलें। मैं उस चीज़ से भी सीखा, मैं समझ गया कि इनकी मीन में एक निकालना ज़रूरी नहीं है। अब वक्त के बहाव, नई पीढ़ी के तौर तरीके अलग है। नई पीढ़ी का तरीका ये है कि ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा खर्च करो, हम लोग बचाने में लगते बहुत बचाते, तो वो एक दिक्कत की बात है। तो नई सोच के साथ चलना शुरू कर दिया। कमेंट्री में भी ये होता, पहले 5 दिन का क्रिकेट था तो अलग तरह से कमेंट्री, 50-50 ओवर्स का क्रिकेट हुआ तो थोड़ी तेज तर्राट कमेंट्री, एक्साइटमेंट ज़्यादा, और T20 में तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, थाम कर कमेंट्री कीजिए। तो वो इस तरह की कमेंट्री अपने बदलता रहता हूँ, तो वक्त के साथ आप नहीं बदलोगे तो वक्त आपको ठोकर मार देगा, वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। डायनासोर बहुत ज़बरदस्त प्राणी था लेकिन खत्म हो गया, क्योंकि वक्त के साथ बदलने की क्षमता उसमें नहीं थी। जो वक्त के साथ अपने आप को सही तरीके से ढाल लेता, कई लोग गलत तरीके से भी ढालते हैं, जो सही तरीके से ढाल लेता है वो हमेशा उपयोगी बना रहता है, कालजयी बना रहता है, और फिर इसीलिए
पद्मश्री सुशील जी दोषी जैसे लोग हमको मिलते हैं जो भारत के लिए निश्चित ही तो एक गौरव का प्रतीक है। सुशील जी, आखिरी सवाल आपकी इस पुस्तक से, इस पुस्तक का कोई ऐसा अंश जो आपके दिल के सबसे करीब हो? नहीं, इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद है कि एक तो पहले जब मैं लिखने बैठा था तो मैंने ये सोचा कि मेरी कहानी कोई क्यों पढ़ेगा। फिर मुझे लगा कि एक 15 रुपये महीने के मकान में रहने वाले लड़के की कहानी, मेरी कहानी एक कमेंटेटर के रूप में नहीं लेकिन एक 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहने वाले लड़के की संघर्ष गाथा शायद बहुत सारे लोगों की खुद की संघर्ष, बिल्कुल, और सबको प्रेरित भी करेगी। और दूसरी बात ये कि मैं कोई विद्वान नहीं था, पढ़ने लिखने में 5 साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज। ऐसा लड़का अगर आज पद्मश्री उपाधि भी प्राप्त कर सकता है किसी और फील्ड में और क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेंट्री कर सकता है तो आप लोग तो कर ही सकते हो। एक इससे प्रेरित होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो खिलाड़ियों के साथ में रहने से मुझे सीखने को मिली वो ये कि एक बार गावस्कर साहब बात कर रहे थे कि देखिए मैं जो है दुनिया कहती है कि मैं सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन हूँ, लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि दुनिया अगर ये कहे 4 आदमी भी कि ये अच्छा आदमी था तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? सुनील गावस्कर जैसे लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकप्रिय होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। तो मैं हर एक से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छे आदमी बनने की कोशिश करें। और आखिर में जो बात कहना चाहूँगा, मेरे नाम से एक कमेंट्री बॉक्स भी किया है जो दुनिया में 3रे नंबर पर है, दुनिया में कहीं नहीं, 3 जगह, और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। तो सुशील दोषी तस्वीर भी है होलकर स्टेडियम, होलकर इंदौर के होलकर स्टेडियम में, बहुत शानदार स्टेडियम है, उतना ही शानदार वहाँ का कमेंट्री बॉक्स है, वो आपके नाम से, क्योंकि इंदौर को गर्व है कि आपने इंदौर के नाम को पूरे देश में और दुनिया में रोशन किया, और भारत को गर्व है कि आपने हिंदी को क्रिकेट के मंच पर इतना प्रतिष्ठित किया। सुशील जी, बहुत अच्छा लगा, ऐसा तो लग रहा है कि बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहे लेकिन समय की मर्यादा है, आप भी कमेंट्री के लिए अपने आप को तैयार करना है, शाम को आपको मैच की कमेंट्री करना है। आप ऐसे ही कमेंट्री करते रहें, आपकी आवाज़ हमको इसी तरह रोमांचित करते रहें, आपकी आवाज़ से हिंदी भी लोगों के कानों तक उसी मधुरता से पहुँचे जैसे शादी के पहले प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से बतियाते हैं। मेरे पास आज सीखने के लिए बहुत कुछ था, जैसे मुझे भी मेरे पिताजी हमेशा यही कहते रहे कि हर बात कुछ सिखाती है, सीख लो, काम आएगी। उसके पास जो था वो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे पास जो था वो तुम्हारे पास पहले से है। तो मैंने आज बहुत सारी बातें सुशील जी से सीखी हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, कैसे अच्छा इंसान बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े बहुत होते हैं, प्रसिद्ध बहुत होते हैं, पैसे वाले बहुत होते हैं, ये शायद उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो है अच्छा इंसान बनना, अगर वो आप बन जाते हो तो आपकी सारी प्रसिद्धियाँ वैसे भी आपके कदमों में होती है। आवाज़ के धनी पद्मश्री सुशील दोषी जी, अमर उजाला.com के इस मंच पर, मुझे उम्मीद है कि हमारे हिंदी के करोड़ों पाठक इस साक्षात्कार को न केवल सुनेंगे बल्कि इससे प्रेरणा लेंगे, प्रेरित होंगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी को उसी जिद, उसी जुनून, उसी सहजता के साथ आप जीते चले जा सकते हैं। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।